भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजनौर की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सहारनपुर में हुए दलितों पर जुल्म के खिलाफ सही जांच कर कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर में हुए दंगे की CBCID से जांच करने की मांग की है और दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे देश में उग्र आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है। ये सहारनपुर की घटना के उस पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को कि उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि शासन प्रशासन कहीं भी हम लोगों को अनदेखा कर रहा है। उसकी वजह शासन प्रशासन हम लोगों को अनदेखा कर रहा है, उसी की वजह से आज ये सहारनपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ या उच्च वर्ग का स्वर्ण वर्ग का व्यक्ति होता तो उनके साथ ये घटना होती तो शासन प्रशासन रातों रात वहाँ जाकर उन्हें आर्थिक सहायता भी देता और हर तरह से उनकी मदद करता। लेकिन आज भी इतने दिन बीतने के बाद भी शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुली, उन्हें आज तक जाकर उनका हालचाल तक पूछने का टाइम नहीं है उनके पास। तो क्या भीम आर्मी को उत्तर प्रदेश शासन एक अवैध संगठन घोषित कर रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर न्याय की मांग हो रही है, जो न्याय की मांग करने के लिए उन्हें उस चीज को लोग आतंकवाद सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि शासन प्रशासन और हमारी सरकार जो वैध और अवैध के चक्करों में हमें पड़े हुए, इतने बड़े बड़े संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, सब लोग जानते हैं, इतना बड़ा संगठन जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वो चल रहा है और उसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, सरकार खुद उस चीज को चला रही है। तो जब शासन अगर अवैध चीज को गलत साबित कर रहा है तो वो भी तो अवैध ही है, वो संवैधानिक अधिकार से थोड़ी ना, उसका रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना है, तो वो उस संगठन को क्यों नहीं बंद करती? आप ये कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है? हाँ जी। क्या किस तरीके से? हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है, हमें हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। तो अगर यही रहा और तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? ऐसा ही रहा तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अब ये मत समझे कि हम लोग अकेले हैं, अब हम सब लोग संगठित हो गए हैं। भले ही हम लोगों के संगठन अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने न्याय के लिए सब लोग एक होकर आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ अन्याय के खिलाफ पूरे धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी तरह से। बीरपुर में जिस जनपद सहारनपुर के बीरपुर में जो अमानवीय घटना हुई है, उस घटना के विरोध में ये आज का कार्यक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश का फर्जी संगठन मानने को भीम आर्मी को क्या कहना है इसका? जो उत्तर प्रदेश सरकार जो भीम आर्मी को फर्जी संगठन बता रही है, वो पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आया था वो इसके फर्जी के पक्ष में आया था, लेकिन दो दिन बाद ही सरकार ने अपने बयान को पलटा है। क्योंकि उस समय सरकार ने एक पक्ष को देखते हुए अपने शब्दों को बोला था, लेकिन जब उसकी न्यायिक जांच की गई, जब उनके कार्यों का भीम आर्मी के कार्यों का सत्यापन किया गया, तो वो एक संवैधानिक संगठन है और जो यदि भविष्य में यदि ऐसा सरकार यदि ऐसा करती है तो वो वास्तव में असंवैधानिक है। सरकार नहीं करेगी, नक्सली जो उग्रवाद है उससे मिली हुई है भीम आर्मी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो संविधान की कहनी चाहिए, भीम आर्मी संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, और यदि कोई भीम आर्मी पर ऐसा आरोप करते हैं तो समझ लीजिए संविधान, भारतीय संविधान पर उंगली उठाने का कार्य।